तो गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम बरकोट। आज है डे टू और भाई अपने दोनों बैगों की पैकिंग हो चुकी है। इस बैग को मैं अपने साथ भाई यमुनोत्री लेके जा रहा हूँ और इस बैग को मैं अपने होटल पे छोड़ूंगा। वापस आते वक्त यहाँ से पिकअप करके फिर सीधा उत्तरकाशी के लिए निकल जाऊँगा। तो भाई ऑल सेट टू गो। हेलमेट वगैरह का वाइजर साफ़ कर लिया है भाई। तो जो जो ज़रूरी सामान था वो मैंने अपने बैग में कैरी कर लिया है। बाकी एक्स्ट्रा सामान मैंने इसमें छोड़ दिया है और इस बैग को मैं यहीं छोड़ के जाऊँगा। और भाई यहीं नहा धो के यहीं से निकल रहे हैं। यमुनोत्री में अगर मौका मिलेगा तो नहाएंगे, नहीं मिलेगा तो भाई दर्शन करके सीधा निकल लेंगे। क्योंकि भाई मैं अब नहा लिया हूँ, नहा के ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई वहाँ जाके भी नहाना ज़रूरी है। नहा मैं यहाँ भी लिया हूँ। बाकी अगर वहाँ भीड़ कम हुई तो देखेंगे। बाकी राइडिंग ग्लास मेरे, नी गार्ड, सब चीज़ रेडी है भाई। तो चलो भाई चलिए निकलते हैं। अब आपको सीधा मैं मिलता हूँ होटल के बाहर। रास्ते में ही पीनी पड़ेगी। तो भाई अपने निकल चुके हैं, सामान वामान सब पैक हो चुका है। तो भाई मोटरसाइकिल अपने कोल्ड स्टार्ट पे लगा दी है, हमने स्टार्ट कर दिया। ये होटल है भाई जिसमें मैं रुका था, नीचे अपने रूम से वहाँ पे रुका था। भाई जब मैं आया था तब तो कोई नहीं था यहाँ पे होटल में, बाकी अब तो लगभग फुल ही हो रहा है। ये है होटल विजय रेसिडेंसी। बढ़िया स्टे है भाई, कंफर्टेबल स्टे था तो आपको भी मज़ा आएगा। बाकी मोटरसाइकिल कोल्ड स्टार्ट लगा दी है, तो जल्दी से इसे इंजन गर्म होने दो और चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से भाई जेट पैड और अपना यमुनोत्री का रूट जल्दी से कवर करके वापस आते हैं, फिर उत्तरकाशी की तरफ निकलते हैं। तो भाई सुबह सुबह का मौसम है और इस समय सुबह के बज रहे हैं 6:30। भाई 5 बजे निकलने का मूड बनाया था, 5 बजे तो नहीं निकल पाया, पर चलो कोई नहीं, अब जल्दी से ये छोटा सा रूट कवर करते हैं। 1.5 किलोमीटर, 1.5 घंटे का रास्ता यहाँ से दिखा रहा है भाई। तो मोटरसाइकिल से मैं मान के चलता हूँ लगभग लगभग 1 घंटे में मैं कवर कर दूंगा भाई। मोटरसाइकिल देख लो बंद कर दिए बिल्कुल। गजब 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 यमुना ही यहाँ। जब हम यमुनोत्री जा रहे हैं तो भाई यमुना जी नदी लिख लेंगे यहाँ से, तो यमुना जी नदी है भाई ये। भोलेनाथ सबके साथ, SJ व्लॉग वाले भाई का डायलॉग है भाई ये, भोलेनाथ सबके साथ। तो भाई वाकई भोलेनाथ सबके साथ। दो जी चाय भी आ गई अपना मल्टीग्रेन ब्रेड से भाई नाश्ता हो रहा है। जल्दी नाश्ता करके भाई चलते हैं अब हेडपैड। ये देखो भाई रास्ते में एक ब्रिज आया है छोटा सा, शायद ये पुराने वाला ब्रिज है, ये नया बना है। और भाई नीचे देखो यमुना नदी बहती हुई, क्या बेहतरीन व्यू आ रहा है। और ये भाई देखो क्या बेहतरीन व्यू है। भाई व्यू चेक करो व्यू, वो देखो भाई ये छोटा सा गांव है शायद, और उसके साइड में देखो वो झरना बह रहा है एक। और भाई ये शायद इनकी अपनी खेती है, यहाँ पे थोड़ी बहुत शायद मिट्टी होगी भाई, नीचे पत्थर नहीं होंगे, इस वजह से यहाँ पे ये अपना खेती कर रहे हैं। बाकी भाई व्यू देखो क्या गजब आ रहा है। तो भाई अपने रास्ते में रुके हैं अभी थोड़ा सा 5-7 मिनट के लिए, नाड़ में और कंधों में दर्द सा हो रहा है। बाकी भाई व्यू देखो, ये नीचे से रास्ता आ रहा है और ऊपर जा रहा है जानकी चट्टी की तरफ। तो जानकी चट्टी में पार्किंग है, वहीं पे अपने पार्किंग वगैरह में खड़ी करेंगे भाई मोटरसाइकिल। और फिर वहाँ से 5 किलोमीटर का भाई ट्रैक है यमुनोत्री के लिए। तो चलो चलते हैं भाई, देवभूमि में आपका स्वागत है। देखो भाई व्यू, यमुनोत्री से 5 किलोमीटर पहले पहुंच गया हूँ, 5 किलोमीटर पहले हूँ यहाँ से, यमुनोत्री 5 किलोमीटर है बस भाई। और भाई आपको व्यू दिखाता हूँ, देखो भाई कैमरे से शायद इतना क्लियर है या इतना बढ़िया व्यू ना आ रहा हो, पर यहाँ से एकदम ग्लेशियर एकदम भाई हीरे की तरह लग रहा है। देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ, फुल बर्फ पड़ी हुई है भाई, पूरी बर्फ, और काले बादलों के बीच में भाई पूरे पहाड़ घिरे हुए हैं। देखो
कैमरे में आ नहीं पा रहा, पर बादलों के पीछे से भी बड़ा पर्वत है एक गजब। और ये भाई नीचे यमुना नदी बहती हुई, ये देखो भाई उत्तरकाशी यहाँ से 128 किलोमीटर है। अब यमुनोत्री के दर्शन करके भाई जल्द से जल्द वापस होते हैं, क्योंकि भाई मौसम खराब हो रहा है, भाई मौसम गड़बड़ है। भाई यमुनोत्री देखो मैं पहुँच गया हूँ, आपको दिखाता हूँ। अब बरकोट यहाँ से 45 किलोमीटर है और उत्तरकाशी 125 किलोमीटर। दुकान में भाई मैंने अपना हेलमेट और बैग जमा कर दिया है, हेलमेट जमा कर दिया है। तो भाई चलो शुरू करते हैं यात्रा। भाई सामने जो रास्ता वो जो जा रहा है वो टैक्सी स्टैंड के लिए और ये वाला यमुनोत्री धाम के लिए। सामने भाई पहाड़ों पे व्यू देखो, एकदम चमक मार रही है, बर्फ़ इतनी ज़्यादा हो रखी है भाई ऊपर, तो बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रही आँखें, इतनी ज़्यादा बर्फ़ है। तो भाई 5 किलोमीटर की ये ट्रैक है, 5 किलोमीटर के ट्रैक में आप इसमें खच्चर लेना चाहो खच्चर भी ले सकते हो, पालकी लेना चाहो पालकी भी ले सकते हो, और बाकी पैदल चलना चाहो पैदल भी चल सकते हो। तो भाई 10-1 कदम ही चले हैं अभी तो, और अभी से ही सांस ही फूली मेरी तो। ये भाई कुछ दुकानें भी हैं बीच बीच में, और भाई सोलो का एक अलग ही एक्सपीरियंस मिल रहा है भाई इस ट्रिप पे। आप ट्रैक देख सकते हो भाई, यहाँ बारिश पड़ी है कल और पानी भी पहाड़ों से रेगुलर आता ही रहता है, तो गीला हो रहा है सारा ट्रैक। बाकी सामने भाई पहाड़ों पे चेक करो, बिल्कुल बर्फ ही बर्फ है भाई पूरे। तो भाई मुझे चलते चलते लगभग 20 मिनट हो चुके हैं, और लगभग ये मान के चलो 1.5-2 किलोमीटर की दूरी तो मैंने कवर कर ली होगी। बाकी भाई यमुना नदी बह रही है। तो भाई यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन चेक होगा, और रजिस्ट्रेशन चेक होके ही आपका टोकन मिलेगा। भाई चार धाम आओ, बिना रजिस्ट्रेशन के मत आओ, मैं बिना रजिस्ट्रेशन के आ गया हूँ। बाकी वहाँ पे परमिशन दे दिया, क्योंकि चले जाओ हो जाएंगे दर्शन। बाकी आप आओ तो भाई अपना रजिस्ट्रेशन करवा के आओ, रजिस्ट्रेशन टोकन यहाँ से मिलेगा जो ग्रीन सा शेड बना हुआ है। और अब यहाँ से थोड़ा और ज़्यादा खड़ी चढ़ाई स्टार्ट हो गई है, चलो खींच कर करते हैं। तो भाई यमुनोत्री 3.5 किलोमीटर रह गया है, बीच में भाई मैं 10-1 मिनट को रुक गया था, बारिश कैसा मौसम हो रहा, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है भाई। एक तो रास्ता छोटा है पतला संकरा है, फिर पालकी घोड़े और ये पिट्ठू वाले गैला जहाँ इन्होंने ज़्यादा ले ली हमारी। तो ये देखो नीचे व्यू, आर यार इल्ला चेकआउट गाइस। भाई बारिश पड़ने लगी है तो अपने शेड भी नीचे रुकता हूँ 5-7 मिनट, देखता हूँ अगर रुकती है तो चलता हूँ, नहीं तो भाई अपना रेनकोट वगैरह पहन के अपना कंटिन्यू करते हैं, भाई रुकना नहीं है। तो भाई देखो यमुनोत्री पहुँच गए, पूरा सामने यमुनोत्री धाम। तो भागते दौड़ते हाँपते हाँपते भाई पहुँच गए। तो चलो भाई मंदिर पे पहुँच के बताता हूँ क्या सीन है। तो भाई प्रसाद ले लिया है मैंने अपना यमुनोत्री जी का यहाँ से, भैया की दुकान से, यही रेस्टोरेंट है भाई का। तो चलो भाई अब चलते हैं, ये व्यू देखो, चलते रहो। जो है आदमियों का नहाने का गर्म कुंड है, जेंट्स का, नीचे लेडीज का है। तो भाई जय यमुनोत्री की, भैया की। भाई पहुंच चुका हूँ मंदिर, देखो ये मंदिर, जय हो, कर लो सभी, जय हो। तो भाई यहाँ अपने जो जिसमें चावल मिली थे वो दिए हैं, उबला हुआ चावल मिलेंगे जिसमें से।
भाई यमुनोत्री धाम के दर्शन कंप्लीट हो गए हैं और अपने चावल वावल भी ले लिए हैं भाई। अब यहाँ से चलते हैं भाई, बारिश पड़ रही है पूरी, मौसम एकदम ख़राब है, तो चलो भाई यहाँ से अब निकलते हैं। अपने भाई उल्टे चल दिए, अब मैं भाई आपको सीधा नीचे जब मैंने मोटरसाइकिल पार्क की है वहाँ पर मिलता हूँ। अब जल्दी से खींचते हैं भाई क्योंकि 1:30 बज गया है और मुझे वापस होटल पहुँच के अपना बैग उठाना है और फिर उत्तरकाशी के लिए निकलना है, लेट हो जाऊँगा भाई मैं। नीचे मैं अपने पार्किंग में आ गया हूँ, बाइक अपनी खड़ी है भाई, लेकिन मौसम ख़राब हो गया, बारिश पड़ने लगी, तो अपने रुकते हैं 5-7 मिनट, बारिश रुकने का इंतज़ार करते हैं फिर निकलेंगे भाई। बादल देखो, पूरा बादल ही बादल, बाकी बैग भाई वो रखे। तो भाई यहाँ पे रुका हूँ 5 मिनट के लिए, अपना मोबाइल सेट किया है हेलमेट पे क्योंकि यहाँ की ये वाला हाईवे बढ़िया है, तो भाई थोड़ा सा फुटेज ले लेंगे यहाँ पे। तो लो भाई वो अपने जहाँ पे रात स्टे लिया था वहाँ पे पहुँच चुका हूँ और अपना बैग भी मंगा लिया है और भाई एक चाय मंगाई है, अब चाय पीते हैं, अपने मोबाइल चार्ज लगाया और अपने निकलते हैं भाई बाइक गाड़ी। तो भाई अपना सामान वामान पैक कर लिया है, होटल से अपना बैग ले लिया है, बैग भाई बांध लिया अपनी मोटरसाइकिल पे आप देख सकते हो, और भाई इतने मैंने एक चाय पी, अपना मोबाइल चार्ज पे लगा लिया, अब चलते हैं भाई आगे की तरफ। और ये मान के चलो अब जो भी कोई पेट्रोल पंप आएगा उस पर भाई इसका टैंक फुल कराएंगे इसका। हाँ, पिछले टायर पे भाई मुझे इसकी हवा कम लग रही है तो इसकी हवा भी चेक कराएंगे एक बार। तो भाई भाइयों रास्ते में पंचर हो गया है मोटरसाइकिल में और टाइम हो रहा है 6:44 हो रहे हैं भाई, अंधेरा होने लग रहा है और मेरी थोड़ी लुप हो रही है भाई क्योंकि भाई मैं अब अकेला हूँ और यहाँ पे अंधेरा होने वाला है और भाई मोटरसाइकिल में पंचर है और पेट्रोल की देख लो तीनों ही कांड हो गए एक साथ। और भाई तुम यहाँ देखो व्यू ऐसा है बिल्कुल पेड़ ही पेड़, कोई जानवर आ जाए तो फटके हाथ में आ जाए, ऐसा सीन है। और भाई चल रहे हैं धीरे धीरे, तो भाई ये अभी आते वक्त तो मैं चढ़ाई थी तो भाई स्टार्ट करके ले आया, अब नीचे को भाई ढलान है तो अपने मैंने मोटरसाइकिल ऑन कर रखी है और न्यूट्रल में भाई नीचे को उतार रहा हूँ ताकि मेरा कुछ पेट्रोल बच जाए। NH 134 जो नई टनल बन रही है भाई उसको भी दिखाता हूँ मैं आपको, देखो वो टनल भी शो होने लगी यहाँ से, एक मिनट ये मोड़ के बाद ही है भाई। तो देखो भाई तो भाई वो वाली टनल है, तो इसके बाद ये जब टनल स्टार्ट हो जाएगी तो हमारा रास्ता शॉर्ट हो गया, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। आज देखो भाई काम लगभग लगभग पूरी रास्ता से चल रहा है भाई, तेल खत्म, पंचर भी हो रहा है, पर भाई हाईवे आने वाला है, अपने हाईवे पे ज्वाइन करेंगे। खाली बिल्कुल एकांत, एकला मैं ही हूँ, देख लो भाई कोई जानवर आ जाए तो मेरी फट जाएगी। तो भाई पिंचर लगवाने के लिए रुका हूँ, देखो भाई पिंचर चेक कर रहा है कि पता लगेगी पिंचर है या नहीं है, अभी इसमें हवा भरी है। और भाई मैं इस समय ये समझिए लगभग लगभग 50 किलोमीटर दूर हूँ उत्तरकाशी से, तो ये पिंचर का काम हो जाए, मुझे तेल मिल जाए तो भाई उत्तरकाशी आज ही कवर हो जाएगा। तो लो भाई अपने मैं उत्तरकाशी से लगभग 1.5 किलोमीटर पहले हूँ और भाई यहीं मैंने अपना स्टे ले लिया है, ये कन्हैया गेस्ट हाउस है कोई, इसमें करके 500 रुपये रूम का चार्ज है आज रात के लिए, बाकी सामान वामान से भाई लोड हो गए अपना उतार के, अब चल के अपना सामान वामान रखते हैं पहले। अरे कहाँ चला गया भाई वो? तो भाई ये रूम है देखो, कुछ इस तरह का भाई रूम है, सिंपल एंड सोवर है भाई, कोई ज़्यादा साज सजावट या ज़्यादा कुछ भसड़ा नहीं है। तो भाई उत्तरकाशी हम पहुंच गए हैं, ये वाला अपना रूम लिया है, तब भाई यहीं आराम करते हैं, कल सुबह यहाँ से गंगोत्री के लिए निकलेंगे
और कल का रूट अपना गंगोत्री का ही रहेगा, गंगोत्री को कवर करते हैं भाई। तो भाई वीडियो आज के व्लॉग को ही एंड करते हैं भाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले। बाकी इससे आगे करूँ तो भाई कल कवर करेंगे।